हेलो गाइस, वेलकम टू माइंडजिला। तो हम रीजनिंग में हमने पिछले वीडियो में हमने अपना कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर था हमारा वो कंप्लीट कर लिया था। तो उसमें जो नंबर कोडिंग थी, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग थी, अल्फाबेटिक कोडिंग थी, तीनों टाइप की कोडिंग को हमने ख़त्म कर लिया था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो रीजनिंग में हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा, हमारे पास डायरेक्शन सेंस का। तो काफ़ी ईजी टॉपिक है ये, दो क्वेश्चन तो आराम से इसमें से आ ही सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, तो काफ़ी ईजी टॉपिक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं इसके साथ। देखो डायरेक्शन सेंस, अब डायरेक्शन हमारे पास कितनी होती हैं, कुछ ऐसे करके होता है, ठीक है, ये होते हैं हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। कहने को तो हम चार ही डायरेक्शन बोलते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन इस दोनों के बीच में आती है ये भी क्या हमारे पास नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है। वैसे ये कौन सी होगी मेरे पास साउथ ईस्ट, ये कौन सी होगी साउथ वेस्ट, और ये क्या होगी नॉर्थ वेस्ट। तो टोटल मेरे पास कितनी डायरेक्शन होती है, आठ डायरेक्शन होती हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। आठ डायरेक्शन होती है मेरे पास, इनको आपने ध्यान में रखना है। और क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें, लेफ्ट और राइट का, एक डायरेक्शन का नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज होना है। और क्या हमारे पास जो भी ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, हमारे पास लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। अब लेफ्ट राइट इसमें क्या करना है, आपको कोई भी ट्रिक व्रिक नहीं यूज़ करनी, कुछ भी नहीं, सिंपल सा लॉजिक यूज़ करना मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा राइट ये है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन को करना है तो खुद को वहाँ पे इमेजिन कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन ने कुछ भी बोला हो कि वो एक मैन ट्रैवल कर रहा है या कार ट्रैवल कर रही है, बस ट्रैवल कर रही है, अगर वो लेफ्ट की तरफ जाती है तो आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने आप को अज्यूम करना कि वो गाड़ी मैं चला रहा हूँ, मेरा लेफ्ट ये और मेरा राइट ये है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ लेफ्ट एंड राइट की, तो यहाँ पे बताऊँ मैं आपको, अगर मेरे को राइट में चलना हो, मान लो यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया, किसी ने भी कार बस ट्रक किसी ने भी चलना स्टार्ट किया, अगर वो बोलता है कि वो राइट में कुछ डिस्टेंस जाता है, तो इसका मतलब मुझे किस डायरेक्शन में जाना, अपने राइट में, तो मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। और वहीं पर अगर बोलता है कि यहाँ से, अब देखो मैं यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया ना, तो मेरा फेस किस तरफ है, इस तरफ, कुछ ऐसे खड़ा हूँ मैं, मेरा फेस इस तरफ है। अब यहाँ से बोलता है कि यहाँ से मुझे कहाँ पर जाना है, फिर से लेफ्ट की तरफ मुड़ना है। अब यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है तो मेरा फेस जब वहाँ पे है, उस तरफ मेरा फेस है, तो मेरा लेफ्ट कहाँ पे होगा, इस तरफ, ठीक है। मैं इस तरफ को मूव करूँगा ना, तो मतलब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो मेरा राइट यहाँ पे होगा, लेफ्ट यहाँ पे होगा। तो उसने क्या बोलते हैं लेफ्ट में चलने को, तो मैं कहाँ चलूँगा, इस तरफ। और जब मैं इस तरफ चलूँगा तो यहाँ पे बस एरो मारते जाओ, जब एरो लगाते जाओगे, एरो से क्या पता चलेगा मेरा फेस किस तरफ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ा होगा, अब मेरा फिर से, अब बोलता है कि वो फिर से लेफ्ट में चलो, तो लेफ्ट कहाँ पे है मेरा, कुछ इस तरफ में, तो मेरे को इस तरफ मूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एरो लगा देता हूँ, जब एरो लगा दिया तो मेरा फेस किस तरफ हो गया, इस तरफ को, मतलब वेस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। अब बोलता है कि राइट की तरफ मूव करो, तो राइट की तरफ मूव करना, तो इधर से देखो मेरा राइट कहाँ पे पड़ेगा, इस तरफ को, तो मैं कहाँ पे मूव कर जाऊँगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये लेफ्ट के टाइम हमें वेस्ट में जाना है या लेफ्ट के टाइम ईस्ट में जाना है, नॉर्थ साउथ में, कहीं भी जा सकता है, बस आपको खुद को इमेजिन कर लेना कि वहाँ पे कौन खड़ा है, मैं खुद खड़ा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो बस हल्का सा कॉन्सेप्ट था ये ईस्ट वेस्ट, तो ये डायरेक्शन बताने का था, और लेफ्ट राइट कैसे चलना है ये मैंने आपको बताना था। अब क्या मेरे पास क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये डायरेक्ट समझा दूंगा, ठीक है, एक या दो वीडियोज में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन की डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊं तो क्वेश्चन में क्या बोला, यू आर हेडिंग, अब इसने क्या बोला, यू मतलब कि मैं ही क्या कर रहा हूँ, चल रहा हूँ यहाँ पे, यू आर हेडिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब स्ट्रेट जा रहा हूँ और नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। मान लो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे किस तरफ चलना है, नॉर्थ डायरेक्शन में चलना है स्ट्रेट। कुछ डिस्टेंस दिया, नहीं दिया, मान लो कुछ भी डिस्टेंस में नॉर्थ में चल गया ये, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में चल लिया, एरो लगा लिया यहाँ पे। आफ्टर दैट यू टर्न राइट, अब क्या बोल रहे हैं मुझे, इसके बाद मैंने कौन सा टर्न लिया, राइट में एक टर्न लिया। अब मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ, मेरा राइट ये होगा, ठीक है, तो मेरे को किस तरफ चलना, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। मान लो कुछ डिस्टेंस में राइट डायरेक्शन चल गया, इन्होंने नहीं बताया कि कितना डिस्टेंस हमें चलना है। एंड अगेन टर्न राइट, ठीक है, फिर से क्या करना है मुझे, राइट में करना है। अब देखो मैं यहाँ पे ऐसे करके खड़ा हूँ तो मेरा राइट किस तरफ है, इस तरफ है ना, देखो ये राइट वाली आर्म है मेरी, ये लेफ्ट आर्म है, तो फिर से राइट की तरफ चलना है मुझे, चल लेता हूँ मैं कुछ डिस्टेंस, मुझे नहीं पता यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वो यहाँ भी रुक सकता है, इसके बिल्कुल सामने रुक सकता है, नीचे भी रुक सकता है। अच्छा मैं यहाँ पर रुक लेता हूँ, ठीक,
अब क्या बोल रहा है, देन टर्न लेफ्ट। अब मैं यहां पे था तो एरो कुछ ऐसे बनेगा। अब मैं कैसे खड़ा हूं, इस तरह से खड़ा हूं, ये है ना एरो, तो मैं नीचे की तरफ खड़ा हूं। तो अब लेफ्ट की तरफ मूव करना, तो लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ, मतलब ये वाली आर्म इस तरफ जाएगा ना, तो ये इस तरफ बना देता हूं मैं। अच्छा, इसके बाद कुछ बोला नहीं, बस इतने बोला हुआ है। अब क्या पूछा हुआ है, विच डायरेक्शन यू आर यू गोइंग नाउ, अब मैं किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। तो देखो, अब मैं किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ, ये कौन सी डायरेक्शन है, अगर मैं यहाँ पे बना लूँ, ये क्या नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, तो मैं इस टाइम किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे पास, इस डायरेक्शन, ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, ईस्ट। इस डायरेक्शन, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्या बोल रहा है मुझे, ए ट्रक, अब ट्रक की बात कर रहा है, अ ट्रक ट्रेवल्स 36 किलोमीटर नॉर्थ। अब मान लो ये ट्रक कौन चला रहा है, मैं ही चला रहा हूं या आप चला रहे हो, अब ट्रक क्या कर रहा है, 36 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहा है, यहां से ट्रक चला, मान लो यहां पे बना देता हूं, ठीक है, ये चला 36 किलोमीटर, यहां पे मैं लिख देता हूं 36, ठीक है, देन इट टर्न्स वेस्ट, अब कहां पे मुड़ गया वो, वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ मतलब इस तरफ, थोड़ा सा सेंटर में बना लो, ये क्या है 36 किलोमीटर यहां पे चला, वेस्ट की तरफ मतलब इस तरफ मुड़ गया होगा, अच्छा वेस्ट की तरफ कितना चला वो, एंड ट्रेवल्स 9 किलोमीटर, वेस्ट में कितना ट्रैवल किया उसने, 9 किलोमीटर, ठीक है, 36 है तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा रखूँगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा कम रखूँगा, 936 से कम होता ना, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, देन इट टर्न साउथ, अब यहाँ से वो साउथ की तरफ मुड़ गया, एंड ट्रैवल्स 50 किलोमीटर, साउथ की तरफ मुड़ गया यहाँ से मतलब नीचे को मुड़ गया होगा, तो नीचे को कितना वो ट्रैवल किया, 50 मतलब 36 से ज़्यादा, 36 से ज़्यादा, तो मुझे इस पॉइंट से नीचे ही जाना है, ठीक है, इस इन चीज़ों का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे डिस्टेंस कम ज़्यादा उसका ध्यान रखना, पूरा स्केल लेके तो हम कर नहीं सकते ना यहाँ पे, तो हम क्या करके अप्रॉक्सीमेटली करके चलेंगे, तो ये कितना चल गया, 50 किलोमीटर, एंड देन इट टर्न्स टू इट्स लेफ्ट, अब देखो यहाँ चलने के बाद वो लेफ्ट में मुड़ गया, ठीक है, लेफ्ट में मुड़ना मतलब इस तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरफ वो कितना चला गया, देन टर्न्स टू इट्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 9 किलोमीटर, इधर चल के 9 किलोमीटर ट्रैवल किया, अब देखो ये भी 9 किलोमीटर था, अब ये यहाँ से अगर 9 किलोमीटर जाएगा तो बिल्कुल इस पॉइंट के नीचे रुक जाएगा जाके, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुँच गया, आगे क्या बोला है, बस यहीं पे, यही इसका क्या है एंड पॉइंट है। अब क्या बोल रहा है, वेयर इज इट नाउ विद रेफरेंस टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था इसका, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से इसका बताना कि किस डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस में होगा, देखो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो मैं पहले ये निकालता हूँ, ये इसका एंड पॉइंट है, वो क्या इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, अब ये 36 किलोमीटर था और ये 50 किलोमीटर है, ये पूरा 50 यहाँ से लेके यहाँ तक 50 किलोमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक 36 किलोमीटर है, तो ये कितना होगा मेरे पास, 50 माइनस 36 ये कितना जाएगा 14 किलोमीटर, ठीक है, ये 14 मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा 14 किलोमीटर, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है 14 किलोमीटर, लेकिन किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ है ना, तो नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन में होगा, साउथ में, देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन मिलता है हमारे पास, 14 किलोमीटर साउथ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ, ट्रक ट्रेवल्स 36 किलोमीटर नॉर्थ, देन इट टर्न्स टू इट्स वेस्ट एंड ट्रेवल्स 9 किलोमीटर एंड देन टर्न्स इट्स एंड देन टर्न्स साउथ एंड ट्रेवल्स 50 किलोमीटर एंड देन टर्न्स टू इट्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 9 किलोमीटर, वेयर इज इट नाउ विद रेफरेंस टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये था इसका और इधर से इधर कितना डिस्टेंस होगा, 50 माइनस 36 तो ये कितना जाएगा 14 किलोमीटर साउथ, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी एंड डी स्टार्ट साइकिलिंग फ्रॉम देयर फिटनेस क्लब, अच्छा सी एंड डी दो बंदे हैं हमारे पास, तो वो कहाँ से, कोई फिटनेस क्लब है जहाँ पे जिम विम में जाते होंगे वो, तो वहाँ से क्या करना, क्या किया उन्होंने,
साइकिलिंग साइकिल के थ्रू चलना स्टार्ट किया। अब मान लो ये इनका फिटनेस क्लब है, ठीक है, तो सबसे पहले कौन चला? सी राइड्स 1 किलोमीटर वेस्ट। अब मैं पहले सी की बात कर लूँ, सी की कहाँ चला? वेस्ट में चला, लेकिन कितना? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चल गया ये वेस्ट की तरफ, एंड देन टर्न्स टू इट्स लेफ्ट। अब यहाँ पे है तो लेफ्ट में इस तरफ देख रहा है, तो लेफ्ट इसका नीचे की तरफ होगा। देख लो यहाँ से लेफ्ट की तरफ कितना चला ये? 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद बस इतना सी के बारे में इतना ही बताया हुआ। इन द मीन वाइल डी राइट 3 किलोमीटर साउथ। अब डी है यहाँ पे, यहाँ से डी भी चला था ना, सी एंड डी दोनों कहाँ चले? फिटनेस क्लब से चले थे। अब डी कहाँ पे चल रहा है? 3 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में। तो ये 3 किलोमीटर मान लो यहाँ तक चल गया, ठीक है, 3 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में चल गया। देन टर्न्स वेस्ट। अब ये वेस्ट में, देन टर्न्स वेस्ट, हाँ अब वेस्ट में मुड़ गया तो ये इस तरफ मुड़ेगा, ठीक है, एंड राइट 7 किलोमीटर। अब यहाँ से वो 7 किलोमीटर चला। अगर ये 1 रिश्ता है तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 6 हो जाएगा, 6 + 1 7, टोटल मैं कह लेता हूँ 7 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब यहाँ से वो लेफ्ट की डायरेक्शन में मुड़ा, तो मैं यहाँ से देखूँ तो लेफ्ट यहाँ पे दिखेगा मुझे नीचे की तरफ, ठीक है। देन टर्न्स टू इट्स लेफ्ट एंड राइट 2 किलोमीटर। अब वो 2 किलोमीटर नीचे की तरफ चला। देखो ये यहाँ से यहाँ टोटल 5 किलोमीटर था, यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 2 किलोमीटर, मतलब ये इसके बिल्कुल सामने आके रुक जाएगा। यहाँ पे सी रुका था और यहाँ पे डी रुक जाएगा बिल्कुल इसके सामने। वेयर इज सी विद रिस्पेक्ट टू डी? अब सी बताना है हमें डी के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है। सी कहाँ पे है डी से? कौन सी डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है ना। देखो डी कहाँ पे है? इस डायरेक्शन में। इस सी है हमारे पास इस डायरेक्शन में। देख कितने डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस दूर है टोटल? ये कितना था? 7, ठीक है, ये कितना था? 1, तो 7 में से 1 निकाल दूंगा तो यही बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर ईस्ट आ जाएगा, ठीक। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा मेरे पास? सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये था मेरे पास, 3 क्वेश्चन थे मेरे पास डायरेक्शन डिस्टेंस के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ लेके आता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 4th क्वेश्चन क्या है? गंगा लीव्स फ्रॉम हर कॉलेज एट 10 AM, ठीक है। गंगा किसी का नाम है, वो 10 बजे अपने कॉलेज से लीव करती है। शी स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गंगा को खड़ा कर देता हूँ। अब ये नॉर्थ में मूव कर, वॉक करना स्टार्ट करते हो, कवर कितना करते हो डिस्टेंस? 14 किलोमीटर। तो यहाँ पे अगर गंगा कोई पर्सन है तो यहाँ से कितना डिस्टेंस हो गया? 14 किलोमीटर, ठीक। शी टर्न्स राइट। अब राइट में टर्न करना तो कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर। अब देखो राइट में टर्न करने के बाद कितना? 20 किलोमीटर चलता है। वॉक्स 20 किलोमीटर टू रीच पॉइंट के। अब कौन से पॉइंट पे पहुंच जाता है वो? के पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे देता हूँ? के। शी टर्न्स लेफ्ट। अच्छा वो अब कहाँ को टर्न करती है? लेफ्ट को। अब ये यहाँ पे तो लेफ्ट को कैसे टर्न होगा? ऊपर की तरफ ये होगी ना लेफ्ट आर्म इसके। एंड वॉक 16 किलोमीटर। और कितना मूव करती है? 16 किलोमीटर। शी अगेन टर्न्स लेफ्ट। यहाँ से फिर से लेफ्ट को चलना है, ठीक है, इस तरफ को। और कितना? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर मतलब कुछ, ये 20 है तो इसका कुछ हाफ पोर्शन ही होगा ना ये 10 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा ये इसका एंड पॉइंट है। अब क्या पूछा है? हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज शी नाउ फ्रॉम पॉइंट के? अच्छा के पॉइंट से ये पॉइंट कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है? अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो किस डायरेक्शन में है ये? के ये रहा, और ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये 4 डायरेक्शन, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी बताई थी? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। डायरेक्शन तो पता चल गई। अब ऑप्शंस में देख लेता हूँ, नॉर्थ वेस्ट वाले मेरे पास 2 ऑप्शन है, लेकिन अब क्या बोल रहे हो और डिस्टेंस कितना है? अच्छा डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? देखो डिस्टेंस के लिए ये क्या बन रहा है? एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, ये और ये। तो राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? उसकी बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ, ओ नाम दे देता हूँ। तो ओ के स्क्वायर किसके बराबर होगा? इसको मैं एम दे देता हूँ, के एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर।
अब मुझे किसकी वैल्यू ये निकालनी है ना, तो ये दो तो मुझे पता ही है, के एम कितना है 16, 16 का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 256 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 356, तो ये हो जाएगा ओके का स्क्वायर 356, तो ओके कितना हो जाएगा अंडर रूट 356, तो इसको सॉल्व कर लूँगा तो मैं ये कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको मेरे को इसके प्राइम फैक्टर्स में इसको 2 1 2 1 5 2 7 4 1 6 2 8 16 2 8 16 2 9, अच्छा 89 का प्राइम नंबर है हमारे पास, हाँ प्राइम नंबर है, ठीक है, तो ये क्या आंसर बन जाएगा मेरे पास अंडर रूट 2 × 2 × 89, ये क्या बन जाएगा 2√89, ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, और डायरेक्शन कौन सी थी नॉर्थ वेस्ट, कौन सा ऑप्शन ट्रू है इसमें, ए ऑप्शन, ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ये अब अपना डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो अब डिस्टेंस में एक और चीज क्या क्या पूछी हो सकती है, देखो एक डिस्टेंस कौन सा होता है हमारे पास, अब यहाँ पे तो ऐसे बता दिया मैंने, एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस, अब देखो अगर मुझे ओ पॉइंट से के पॉइंट पे जाना या के से ओ पे जाना, तो मैं पहले यहाँ से भी जा सकता हूँ ना, के से एम पे जाऊँगा, एम से ओ पे जाऊँगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 26 किलोमीटर, ठीक है, एक तो 26 किलोमीटर आना था, तो वो तो ऑप्शन में कोई है ही नहीं, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब ये वाला डिस्टेंस उसने पूछा नहीं है, उसने कौन सा डिस्टेंस पूछा है यहाँ पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा हुआ, अब क्वेश्चन में ये लिखकर भी बता सकता है कि के और एंड पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला होगा हमेशा तो कैसे हमें, बिल्कुल देखा यहाँ पे सबसे पहले मैं कैसे पहुंचूंगा, डायरेक्ट यहाँ से स्ट्रेट आऊंगा तभी पहुंच पाऊंगा ना, अब इस पॉइंट से मुझे जी से के की तरफ पूछ लिया था अगर, ठीक है, जी से के की तरफ मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा था, सर डिस्टेंस पूछा था तो 14 + 20 ऐसे भी तो पहुंच सकता हूँ, रास्ता तो ये भी है, तो वो 34 किलोमीटर आ जाता, लेकिन अगर मुझे पूछा होता कि जी से के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, तो जी से के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो यही बन पाएगा ना, अगर मैं इधर से ऐसे घूम के जाऊँ वो भी लंबा पड़ेगा, इधर से घूम के जाऊँ वो भी लंबा पड़ेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पड़ेगा जब मैं इधर बिल्कुल स्ट्रेट मूव करूँगा, ठीक है, तो अगर इसका के और जी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा होता तो वही आ जाता, क्या आ जाता मेरे पास अंडर रूट, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 14 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो ये आ जाता मेरे पास 196 प्लस 400, तो ये हो जाता 596, तो इसको मैं करता फैक्टर्स में ब्रेक कर लेता, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ सकता है, तो बस एक चीज़ बताने का मतलब क्या था, बस इस चीज़ को याद रखना, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा हो तब भी हमें ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्ज़ाम में, कोई इतना हाई लेवल क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा, आपको इसी तरह से उस क्वेश्चन को डील करना है, तो यही क्वेश्चन मैं एक इसकी टाइप ऐसी होती थी, तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखता हूँ, स्टूडेंट साइकिल्स 2 किलोमीटर नॉर्थ, यहाँ से स्टूडेंट साइकिलिंग करता हुआ जा रहा है, वो किस तरफ जा रहा है हमारे पास, इस तरह 2 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन मूव कर गया, एंड देन टर्न्स वेस्ट, अब ये वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर गया, ठीक है, एंड साइकिल्स 2.5 किलोमीटर, तो ये कितना 2.5 किलोमीटर साइकिल कर लिया, देन टर्न साउथ एंड साइकिल्स 2 किलोमीटर, साउथ में मुड़ के फिर से 2 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल कर गया, 2 किलोमीटर कर गया, देन टर्न्स टू हिट्स लेफ्ट, अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे नीचे को देख रहा है, मतलब ऐसे ही खड़ा हो गया, अब यहाँ से क्या कर रहा है वो लेफ्ट में मूव कर रहा है, मतलब इस तरफ, तो इस तरफ जाएगा, ये कितना जा रहा है, टर्न्स टू हिज़ लेफ्ट एंड साइकिल्स 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर मतलब 2.5 किलोमीटर ये तो ट्रैवल करेगा, आगे 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा मेरे पास 4.5 किलोमीटर, वेयर इज ही नाउ विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पोजिशन, अब ये बता रहा है, पूछ रहा है हमें, अच्छा ये तो ठीक है, अब क्या पूछ रहा मुझे कि स्टार्टिंग पॉइंट से, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या मेरे पास एंड पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक कहाँ पे अभी वो, तो ऑप्शन में क्या पूछा हुआ, डिस्टेंस भी पूछा और डायरेक्शन भी पूछी है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 4.5 टोटल है, तो यहाँ तक 2.5 किलोमीटर है, तो 4.5 में से 2.5 मैं माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास 2 किलोमीटर, तो ये कितना डिस्टेंस आएगा 2 किलोमीटर, और डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन कौन सी है, इस डायरेक्शन में है, तो क्या आएगा 2 किलोमीटर ईस्ट, तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, देखो अब ऐसा भी हो सकता है कि इसी क्वेश्चन में वो क्या पूछ सकता है, देखो इसी क्वेश्चन में आपको सारे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ,
इस क्वेश्चन में वो क्या पूछ सकता था? अच्छा मैं आपको ऐसे जनरल समझा देता हूँ। अब देखो कोई आदमी है वो यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, मान लो 10 किलोमीटर ऊपर गया, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। अब ये ए पॉइंट से ट्रैवल किया, अब ये पहुँच गया बी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट से उसने क्या किया, इस डायरेक्शन में या फिर उसके राइट में 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है। इसके बाद क्या करता है, वो सी पॉइंट पे पहुँच गया, सी पॉइंट से वो 5 किलोमीटर ऊपर ट्रैवल करता है, ठीक है। वो पहुँच गया डी पॉइंट पे, यहाँ से ट्रैवल करता है वो 10 किलोमीटर, मान लो 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, ये पहुँच गया ई पॉइंट पे, और ई पॉइंट से ट्रैवल किया इसने, ये कितना हो गया 15 किलोमीटर ट्रैवल करके ये पहुँच गया एफ पॉइंट पे, या फिर इसका एंड पॉइंट हो गया, ठीक है। कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो मान लो मुझे, ठीक है। अब वो पूछ लेता है, देखो अब इस एक क्वेश्चन में ना मैं आपके बाकी डायरेक्शन वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। अब इसमें क्या पूछता है वो, कि बताओ कि स्टार्टिंग पॉइंट से या फिर ए पॉइंट से, ए पॉइंट से जो ई पॉइंट है, ठीक है, ई पॉइंट के से कितना दूर है, सॉरी ई पॉइंट ए से किस डायरेक्शन में है। अब ए इस डायरेक्शन में है तो के ई कौन सी डायरेक्शन में, इसकी कुछ इस डायरेक्शन में है ना, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाती है, देखो यहाँ पे डायरेक्शंस बना देता हूँ, उस डायरेक्शन जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, थोड़ा इस तरफ को जा रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाती है मेरे पास, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि ई जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से या फिर ए पॉइंट से किस डायरेक्शन में, तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। एक चीज़ क्लियर होगी। अब यहीं पे पूछ ले कि ए जो पॉइंट है वो ई से किस डायरेक्शन में है, ई से किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, उल्टा हो जाएगा ना, ई से मैं इधर को देखूंगा, ए को तो मुझे इस तरफ देखना पड़ेगा, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे पूछ लेता है कि जो डी पॉइंट है हमारा, ये डी पॉइंट है ना, डी पॉइंट बी पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, ठीक है, डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है और कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। डी पॉइंट जो है वो बी से कुछ ये इस तरफ को जा रहा है, इस तरफ को, तो ये कौन सी होती थी हमारे पास, कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो जो बी होगा वो डी से किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ लेता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम से बी डी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो जाएगा 50, तो बी डी स्क्वायर इतना हो जाएगा, तो बी डी कितना हो जाएगा मेरे पास रूट 50, तो 50 के प्राइम फैक्टर्स ले लूँगा मैं, तो 225 5 5, ठीक है, तो ये 5 5 2 हो जाएगा, तो लिख लूँगा मैं ट्वाइस इंटू फाइव इंटू फाइव, 5 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 5 अंडर रूट 2, तो बी डी कितना आएगा 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था डायरेक्शन कौन सी, किस डायरेक्शन में, डी कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो मैं इस नॉर्थ ईस्ट को ऐसे रख लूँ, ठीक है। तो डायरेक्शन डिस्टेंस में हमारे पास कुछ भी ज़्यादा इतना खास नहीं था, कुछ बस आपको सारे टाइप के क्वेश्चन बता दिए, आपको क्या करना है, सिर्फ फॉलो करते रहें डायरेक्शन, नॉर्थ में बोल रहे नॉर्थ में चलना है, ईस्ट में बोल रहे तो ईस्ट में जाओगे, वेस्ट में बोल रहे तो वेस्ट में जाओगे, लेफ्ट राइट बोल रहे बस उसका ध्यान रखना, वहाँ पे खुद को खड़ा कर देना, खुद को खड़ा करने के बाद इमेजिन करो कि ये मेरे लेफ्ट पॉइंट है ये किस तरफ आएगा, राइट पॉइंट किस तरफ आएगा, खुद को इमेजिन करके देखो। और सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिया, या तो वो डायरेक्शन पूछ लेगा, सिर्फ डायरेक्शन पूछ सकता है वो इस किस डायरेक्शन में, वो पहले क्वेश्चन में बता दिया, या फिर डिस्टेंस डायरेक्शन दोनों पूछ सकता है वो इस क्वेश्चन में करवा दिया, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ सकता है वो इस क्वेश्चन में करवा दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन इस जनरल से एक एग्जाम्पल में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैसे निकालना है, कोई डायरेक्शन पूछोगी तो वो कैसे निकालना है। तो डायरेक्शन डिस्टेंस हमारा इसी वीडियो में कंप्लीट हो गया। तो अब क्या ऐसा है कि हमारे पास टाइम भी कम है एग्जाम के लिए, तो हम जितना शॉर्टेस्ट वे में पॉसिबल हो सके उतने शॉर्टेस्ट वे में आपको सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए आप माइंड जिला के साथ, थैंक यू।